कौन नेक्स्ट है भाई, द हाईएस्ट एवर द फेयर एंड द रूमेटिव शुगर प्राइस, जो प्राइस ऑफ शुगर केन, तो ये क्या है भाई, हाई में द हाईएस्ट एवर द फेयर ऑफ द रूमेटिव प्राइस शुगर केन, तो ये गवर्नमेंट हाइक द शुगर केन एफ आर पी बाय द 15 द क्वार्टर्स फॉर द 2022 एंड 23 जो सेशन के लिए, ये लगभग जो 10% के आसपास बढ़ा है एफ आर पी आर शुगर केन द फिक्स 305 द बेसिक रिकवरी ऑफ द 10.25%। देख सकते हैं इश्यूज ऑफ द रिलेटेड और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑफ द फार्म्स ऑफ द सब्सिडीज एंड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जी जी इस पेपर टू में कवर करेगा भाई द हाईएस्ट फेयर ऑफ द रिमोवेटिव ऑफ प्राइजेस एंड शुगर कैन। तो मामला क्या है भाई, जैसे जो सी ए सी पी जो ऐसे जो एम एस पी जो मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस की जो अलाउंस करता है गन्ने के लिए, जो एफ आर पी होता है ऐसी जो फेयर तो रिमेटिव प्राइस, अभी तक गन्ने के लिए जो एफ आर पी अलाउंस की है लगभग जो है उसमें जो 2 से 2.5% का जो इंक्रीमेंट है, और गवर्नमेंट ने जो 15 रुपये प्रति क्विंटल 2022-2023 सेशन के लिए बढ़ा दिया है एम एस पी के लिए, कई प्रकार की फसलों के लिए होता है जो एफ आर पी केवल जो गन्ने के लिए होता है, शुगर कैन 305 रुपये क्विंटल प्रति क्विंटल की बात है, एम जो एफ आर पी मैथड जो कैसे बनते हैं कैसे होता है सारी चीज़ को समझेंगे भाई। कैबिनेट द कैबिनेट कमेटी ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स ई सी सी ए अप्रूव्ड द फेयर ऑफ द तो रेमिटिव ऑफ द प्राइसेस ऑफ शुगर कैन ऑन द सेशन 2022 एंड 2023 अक्टूबर सेप्टेम्बर। आर्थिक मामलों के जो मंत्रिमंडल जो समिति सी आई सी और चीनी सीजन 2022-2023 के लिए अक्टूबर सितंबर के लिए गन्ने की उचित और लाभकारी मूल्य की मंजूरी दे दी है। मुख्य जानकारी इसके इसने जो गन्ना किसानों के लिए अब तक का सबसे उच्चतम उचित और जो लाभकारी मूल्य एफ आर पी 305 रुपये प्रति क्विंटल की मंजूरी दी है। चीनी सीजन 2022-2023 के लिए एफ आर पी जो मौजूदा चीनी जो सीजन 2021-2022 की तुलना में जो 2.6% अधिक है। गन्ना जो उत्पादों के लिए जो गारंटी सुधा जो मूल्य है सुनिश्चित करने के लिए गन्ने का जो एम आर पी तय किया गया है। पिछले 8 वर्षों में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उचित और लाभकारी जो 34% से अधिक वृद्धि की है। महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इस निर्णय से जो 5 करोड़ गन्ना किसानों के लिए उनके जो आश्रितों के साथ साथ चीनी मिलों और संबंधित जो सहायक गतिविधियों के जो कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को भी लाभ होगा। व्हाट इज द एफआरपी, एफआरपी क्या होता है भाई इसके लिए देखते हैं। द एफआरपी जो सरकार द्वारा घोषित मूल्य जो किसी भी किसानों के जो मिले किसानों के लिए खरीद के मूल्य के लिए कानून रूप से करने के लिए बाध्य होता है, कितने पे खरीदोगे इससे कम पे नहीं खरीद सकते चीनी मिल, तो ये होता है। देश भर में जो एफआरपी का भुगतान जो नियंत्रण आदेश जो 1966 द्वारा नियंत्रित होता है, इसमें जो गन्ने की जो डिलीवरी तारीख जो 14 दिनों के भीतर जो भुगतान करना अनिवार्य है। तो जो प्रयुक्त पद्धति क्या है, तो मेथोडोलॉजी यूज क्या है, तो कृषि जो लागत मूल्य सी ए सी पी जो विभिन्न प्रकार के कारकों का ध्यान रखते हुए गन्ने के जो उचित लाभकारी मूल्यों के लिए सिफारिश करता है, जैसे कि बनाने की जो कीमत, मांग करने की जो स्थिति होती है, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर जो फसल मूल्य क्षमता आदि। तो फायदे क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, गन्ने के लिए उचित लाभकारी किसानों के लिए तो मार्जिनल आश्वासन होता देता है, जो भले ही चीनी जो मिलों को लो लाभ मिले या ना मिले, तो जो निश्चित भुगतान के लिए भुगतान करना होता है गन्ना किसानों के लिए बीच में एक लोकप्रिय फैसला है, क्योंकि देखो इससे पता होता है कि भाई यहाँ से जो हमारे एक इकट्ठा पैसा आ जाएगा जो किसान को, इसलिए वो देखता है। अब उसको ना मिले पैसा तो फिर दिक्कत होती है ना, भुगतान देरी से सालाना जो 15% के ब्याज लगाते हैं वो चीनी आयुक्त मिलों को संपत्ति कुर्क करके जो राजस्व वसूली के बकाया के रूप में जो अवैतिक जो एफआरपी की वसूली कर सकते हैं। इश्यूज रिलेटेड द शुगर कैन प्राइसेस ऑफ इंडिया, भारत में जो चीनी मूल्य निर्धारण के संबंध में मुद्दे कौन से हैं, ये दोहरी गन्ना जो मूल्य निर्धारण केंद्र सरकार जो मौसम में गन्ने के लिए एफआरपी की जो घोषणा करता है, लेकिन जो राज्य सरकार जो एफआरपी के ऊपर जो अपनी अधिक कीमत जो सिफारिश करती है, उत्पादन मूल्य के लिए बिना किसी जुड़ाव के लिए उच्च एफआरपी जो अव्यवहार्य है, एफआरपी से अधिक जो एसएफपी तो एसएपी तो ये जो है गन्ना मूल्य के लिए बकाया मूल्य के साथ में वृद्धि और चली जाती है, गवर्नमेंट वो दे देती है, स्टेट गवर्नमेंट एसएपी देती है, ये जो एफआरपी जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो ये ध्यान रखना। तो ये कॉस्ट द डिफरेंस क्या होता है, लागत अंतर क्या होगा, कच्चे माल और उत्पादन की कीमत के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, यानी चीनी की कम कीमतों के समय जो चीनी कारखानों के वित्तीय स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जहाँ पे कंपनियों की चीनी की जो कीमतें कम होने के बावजूद जो एफआरपी का भुगतान करना पड़ता है, और जो वर्किंग और इन जस्ट जो साइलो
तो साइलोज क्या हो, ये एफआरबी बाजार में आधारित नहीं है, इससे जो सरकारों के द्वारा कृत्रिम रूप से जो फुलाई हुए जो स्त्रों की कीमतों की दी जाती हैं, यह जो बदले में जो चीनी मिलों के द्वारा दबाव डालते हैं जिनकी बड़ी हुई जो एमआरपी चीनों के लिए फसल खरीदना पड़ती है, एफआरपी तो कभी स्टेट ने भी दे दिया, वो उस टाइम पे दे देते हैं, फिर जो पेमेंट नहीं कर पाते मिल वाले, तो ये भी है। तो शुगर कैन क्या है भाई, देखो तो ये इसके बारे में देख लेते हैं, टेम्परेचर कितना होता है, बिटवीन द 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, हॉट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट, जो तो ये जो उच्च जो गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ जो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, तो रेनफॉल जो अराउंड जो 75 to 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो सॉइल टाइप होनी चाहिए वो डीप, ये गहरी जो समृद्ध दो मट्टी जो रिच सॉइल्स, जो टॉप जो शुगर कैन प्रोड्यूसिंग द स्टेट कौन कौन से हैं, तो ये पूछा जाता है भाई, वन डे एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से सबसे पहले, फिर सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद जो आपका जो तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद जो बिहार, ब्राजील जो भारत के बाद जो भारत ब्राजील के बाद जो भारत जो गन्ने का दूसरे बड़ा उत्पादन है, सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है, टॉप जो है रिलेटेड सब देख सकते हैं इस पे। तो ये कौन कौन से देखो, इसमें जो एमएसपी स्टेट एडवाइजरी जो प्राइजेज एडवाइज प्राइजेज ऑफ जो कैबिनेट कमिटीज ऑफ ऑन इकोनॉमिक जो अफेयर्स, इस पे जो देख सकते हैं, और प्रीमियम स्पेसिक के लिए न्यूनतम बिक्री मूल्य क्या है, यह कैसे सेट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य और जो न्यूनतम बिक्री मूल्य के बीच में अंतर, एम जो एफआरपी क्या है भाई। अब देखो यूपीएससी के लिए क्वेश्चन देखते हैं, गन्ना मूल्य प्रीमियम्स के लिए भी देखो, गन्ना मूल्य निर्धारित नीति के लिए संदर्भ में उचित एवं जो लाभकारी है एफआरपी लागत मूल्य, और जो मूल्य आयोग के लिए सीएसीपी की सिफारिश के आधार पर तय करता है, इसके लिए निम्नलिखित कारक माने जाते हैं, ए हमारा गन्ने का उत्पादन का लागत, बी हमारा जो दूसरा है हमारा जो वैकल्पिक जो उत्पादों की वापसी और जो कृषि उत्पादों की कीमतों में सामान्य प्रवृत्ति, और दूसरा है हमारा जो उपभोक्ताओं के लिए मूल्य की चीनी की उपलब्धता, और फोर्थ है हमारा जो उप उपयोग उत्पादों की जो बिक्री कई प्राप्त की गई जो अथवा गुड़ जो खोई प्रेश मिट्टी आदि के लिए आरोपित मूल्य है, तो ऑल सीज में जो सारे ही ऑप्शन हमारे ऑल दीज आर द करेक्ट। मैनी स्पेसिक के लिए को देख सकते हैं भाई, देखो